पन्ना जिले के पवई में पुलिस को देसी कट्टा और कारतूस सहित युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इन दिनों अवैध गतिविधियों पर रोक और असामाजिक तत्वों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पन्ना जिले के पवई पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जब पुलिस मोहंद्रा रोड कलेही मंदिर के पास गश्त कर रही थी, तभी ग्राम सिमरा खुर्द निवासी भूपेंद्र सिंह राजपूत पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस को शक होने पर उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से 12 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने युवक का आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शाहनगर से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। महोदय, पन्ना के आदेश से अभी जो अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान एसडीओपी महोदय के देश में एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था, और एएसआई उपाध्याय पूरन सिंह और एक दीपक आरक्षक था। जब हम लोग भ्रमण कर रहे थे तो एक व्यक्ति कट्टा लिए घूम रहा था ये कलेहन माता मंदिर के पास में जी। तो जब उसको देखा हम लोगों ने तो भागने लगा। जब हम लोगों ने घेर कर उसको जब उसकी तलाशी ली तो वो अपना एक 12 बोर का कट्टा लिए हुए था, एक जिंदा कारतूस था उसके पास लोड हालत में। उसको फिर गिरफ्तार किया, उस पर 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। आगे भी ऐसी कार्रवाई की जानी है। सर, आरोपी कहाँ का है और क्या नाम? आरोपी का नाम भूपेंद्र सिंह राजपूत है, पिता अमर सिंह राजपूत, ग्राम सिमरा खुर्द। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।